हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संगीता और रोम्बिका चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ब्रेकफास्ट की परफेक्ट रेसिपी, बेंगलोर स्टाइल रवा सूजी इडली। ये इडली बहुत ही सॉफ्ट बनती है। कैसे बनती है देख लेते हैं। सबसे पहले एक चम्मच घी आप कढ़ाई में डाल के गर्म कर लीजिए। घी के गर्म होने पर इसमें एक चम्मच रायदाना डाल दीजिए। आँच को दोस्तों इस दौरान बिल्कुल धीमे रखना है और इसे लगातार चलाना है। राई के चटकने पर एक चम्मच चना दाल डाल दीजिए। चना दाल को हमें गोल्डन कलर तक बस रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो आप जब लगातार इसे चलाएंगे धीमी आंच पे, तो ये गोल्डन कलर की रोस्ट हो जाएगी। धीमी आंच रखिए, लगातार चलाते रहिए और इसे रोस्ट करिए। जब चना दाल हमारी गोल्डन कलर की हो जाए, तब इसके अंदर हम डालेंगे एक बारीक कटी हरी मिर्च। यहाँ मैंने एक बारीक कटी हरी मिर्च और इसके साथ में आधा इंच अदरक का टुकड़ा, जिसे बिल्कुल महीन कट कर लिया, वो भी डाल देंगे। सभी चीज़ों को लगातार चलाते हुए आप भूनिए, तो इससे चीज़ें जलेंगी नहीं और इसका टेक्सचर भी नहीं बिगड़ेगा। टेस्ट में भी ये ख़राब नहीं लगेंगी। बस लगातार चलाना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से हो जाए, इसमें डाल दीजिए 7-8 काजू के टुकड़े। दोस्तों, ये आपने MTR का रवा इडली मिक्स देखा होगा, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, काजू, दाल, रायदाना, करी पत्ता। तो मेरा कुछ उद्देश्य उसी तरह से प्रीमिक्स बनाना और उससे इडली बनाना है। तो यहाँ देखिए, काजू को भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब इसमें डाल देंगे करी पत्ते, 7-8 करी पत्ते डाल दिए। ये सभी चीज़ें हमारे MTR के रवा इडली प्रीमिक्स में मिलती हैं, तो मैंने वैसे ही बनाने की कोशिश की है। जब हमारी सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो जाएंगी, बस इसी समय तुरंत हम डाल देंगे 1 कप सूजी। ये इडली वाली मोटी सूजी है, इसे हम अच्छे से घी में भूनेंगे। घी की इसके अंदर अच्छे से कोटिंग होनी चाहिए, सूजी का ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर आपको सूजी कहीं से भी ड्राई लगे, तो आप घी की मात्रा को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। और इसे हम 2 मिनट भूनेंगे। आमतौर पे इडलियों में जो एक खिंचाव आता है, इस इडली में नहीं आता, वो इसी का कारण है। इसमें घी में जब हम सूजी को भूनते हैं, तो उससे खिंचाव नहीं आता हमारी बनी हुई इडली में। तो आपको 2 मिनट बस इसे अच्छे से भूनना है। दोस्तों, ये प्रीमिक्स बना के आप रख लीजिए एयर टाइट कंटेनर में, और जब इडली बनाने का मन हो तब आप बना सकते हैं। तो ये लीजिए, 2 मिनट हो चुके हैं और सूजी हमने 2 मिनट इसे अच्छे से भूना, सभी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई। तो बस गैस को बंद करके इसे एक बाउल में निकाल के बिल्कुल ठंडा कर लें। जब ये प्रीमिक्स बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाएगा, इसमें हम मिलाएंगे 1 कप दही। दही को 2 भाग में मिलाएंगे। पहले आधा मिलाइए और अच्छे से मिक्स करिए, और उसके बाद आधा कप दही और डाल दीजिए। दही की मात्रा कम ज़्यादा आप अगर लगे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे इडली का घोल होता है, बस उसी तरह से हमें घोल को बनाना है इसे मिक्स करके। अब ये देखिए, हमने इडली मेकर के जो सांचे होते हैं उन्हें अच्छे से ग्रीस कर लिया, और स्टीमर का पानी हमने गैस पे गर्म होने पहले ही रख दिया है। इस प्रीमिक्स से हमारी 8 इडलियाँ बनने वाली हैं। तो 2 सांचे हमारे अच्छे से भर के तैयार हो गए, और गर्म पानी जब हो जाए, खौलते पानी में आप अपने सांचों को रख दीजिए और कवर करके 15 मिनट मीडियम आंच पे इसे हम पकाएंगे। आमतौर पे बंगलौर में इसे पोटैटो सागो और नारियल की चटनी के साथ सर्व किया जाता है। दोस्तों, ये देखिए, 15 मिनट बाद इडली हमारी पक गई, और जब ये थोड़ा ठंडी हो जाए, इन्हें डीमोल्ड कर लीजिए। ये देखिए, इडलियाँ काफ़ी अच्छी सी बनी है, जालीदार और स्पॉन्जी भी हैं। इसे मैं तोड़ के आपको दिखाऊंगी, बिल्कुल आसानी से ये टूट जाएंगी। वैसे इडलियाँ थोड़ा खिंचाव लिए होती हैं, लेकिन इस इडली की विशेषता ये है कि ये इडली बहुत ही सॉफ्ट होती है। इसे मैंने रोस्टेड चना दाल, ताजे नारियल और धनिया की पत्ती की चटनी के साथ बना के सर्व किया है। तो ये कॉम्बो आपको कैसे लगा दोस्तों, मुझे कमेंट्स करके बताइए। और मेरे चैनल पे अगर नए हैं, तो नीचे दिए गए लाल बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जब जब
मैं रेसिपी अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसी ही रेसिपियों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।